भक्त रविदास जी। भक्त रविदास जी बनारस के निवासी थे और ये शहर विद्वानों ब्राह्मणों का बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ पर जंत्र मंत्र तप जप के साथ साथ मूर्ति पूजा का भी जोर था। लेकिन एक तरफ जहाँ ऊंचे कुल के विद्वान लोग मंदिरों में जा जाकर मूर्ति पूजा करते थे, वहीं दूसरी तरफ इसी शहर में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें मंदिर जाने की इजाज़त नहीं थी, न वेद आदि पढ़ने की अनुमति थी। विद्वान लोग इन्हें छोटी जात के लोग कहते थे, कुछ लोग इन्हें नीच भी कहते थे, जो घरों की सफाई करते थे, जहाँ कोई छोटा मोटा काम करते थे। लेकिन इसी बीच भक्त रविदास जी का जन्म होता है। उन्हें भी छोटी जात का कहकर चिढ़ाया जाता है, लेकिन वह किसी का गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि वह तो लोगों को बताते थे कि आओ मैं तुम्हें रब के बारे में बताता हूँ, वह रब जो हम सभी में है, वह रब जो खुले आसमान में भी है, रेत के कण में भी है, ब्राह्मण में भी है और मुझ जैसे चमार के मन में भी है। वह तो इतना नज़दीक है जितने हमारे हाथ। भक्त रविदास जी फरमाते हैं कि सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भोग वै सोई, कह रविदास हाथ पै नेर सहजे होए सो होई। कह दुनिया वालों, वो रब जो सब में है वो एक है और वो एक होकर भी सभी में मौजूद है। वह मुझ में है, तुम में है, सब में है, हमारे सबसे नजदीक हमारे हाथ हैं, पांव हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, मगर वो तो उससे भी नजदीक है, हमारे अंदर है और इस जहान में वही होता है जो उसकी रजा होती है। वहां के विद्वानों ने जब ये सब देखा सुना तो उनसे रहा नहीं गया कि एक छोटी जात का चमार जो मरे हुए पछुओं को ढोता है, हमारे जूते बनाता है, वह ज्ञान की बात कैसे कर सकता है। विद्वानों ने भक्त रविदास जी को कहा कि तुम छोटे हो और छोटे ही रहोगे, इस ज्ञान से तुम बड़े नहीं हो जाओगे, तुम रब से नहीं मिल पाओगे। तो भक्त रविदास जी इसका एक बहुत ही प्यारा उत्तर उन्हें बड़े ही सहज से देते हैं कि आपकी नजरों में तो ताड़ का पेड़ भी बुरा है क्योंकि उसकी शराब बनती है, मगर तर तार अपवित्र कर मानी अरे, जैसे कागरा करत बिचारं भगत पागौत लिखिए तह ऊपरे पूजिए कर नमस्कारं। संगत जी, ताड़ का पेड़ नारियल के पेड़ के जैसा होता है। पुराने समय में यहाँ इसे बुरा माना जाता था क्योंकि इसकी लोग शराब बनाकर पीते थे, लेकिन इसी पेड़ की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता था, जिसके बारे में भक्त रविदास जी फरमाते हैं कि बुरा तो आप ताड़ के पेड़ को भी मानते हैं, मगर जब उसके बने हुए कागज पर भगवान की स्तुति लिखी जाती है तो उसी कागज को, उसी पेड़ से बने कागज को आप पूजते हैं। पेड़ तो वही है, बस उस पे जब रब का नाम आ गया तो वह भी पवित्र हो गया। इसी तरह जब मुझ में उसका नाम आ गया तो मैं अपवित्र कैसे रह जाऊंगा। मेरी जात आपकी नजरों में चाहे छोटी है, मगर इस दिल पर उस रब का नाम लिख दिया है, एक वही है जो मेरे रोम रोम में बस रहा है, तो फिर मैं कैसे छोटा हो सकता हूं। और मैं तो आपकी इस सोच से भी आगे जा चुका हूं, जहां पर जाकर मुझे लगता है कि मैं हूं ही नहीं, मैं तो तू बन गया हूं। जैसे समंदर और लहर दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं, ऐसे ही अब मेरी हालत है। तो ही मोही मोही तो ही।
अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। हे प्रभु तू ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ, तेरे मेरे बीच कोई अंतर नहीं है। ये अंतर ऐसा है जैसे सोना या सोने से बने आभूषण, ये अंतर ऐसा है जैसे जल या उसकी लहरें। जैसे इनमें अंतर नहीं, वैसे ही मुझ में और तुम में अंतर नहीं। और ऐ दुनिया वालों, तुम सब में भी और रब में कोई अंतर नहीं, तुम भी उसका ही हिस्सा हो। केवल खुद को तलाशने की जरूरत है, खोजोगे तो सब मिलेगा। भक्त रविदास जी फरमाते हैं कि यह जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसे जात पात वैर विरोध में मत गवाएं। यह जीवन आपको अवसर मिला है, अवसर उस एक से एक होने का, इसलिए इस मनुष्य जन्म की कद्र करो, अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ो। अगर दिल में परमात्मा नहीं तो चाहे सोने के महल ही पास क्यों ना हो, सब व्यर्थ है। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अब बेकै, राज इंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कह कह लेख है। अर्थात कि यह जीवन बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसे बेकार में मत गवाओ। ये मत सोचो कि हमारे पास बहुत कुछ है या बहुत समय है, नहीं, राजे इंद्र जैसे भी अगर तुम हो जाओ, स्वर्ग जैसे महल और सिंहासन तुम्हें मिल जाए, तो भी बिना रब की भक्ति के तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस जीवन को अगर सफल करना है तो ऐ भाई खुद की तलाश करो, अपने भीतर की ज्योति को पहचानो, उस रब की भक्ति करो जो एक है, जो सब में है, जो हर जगह है। जब लोग भक्त रविदास को सुनते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है। जहां एक तरफ बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, वहीं बहुत तरह के नए सवाल भी जन्म लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि हमें तो मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं, फिर हम कैसे उसकी पूजा करें? तो संत रविदास जी जवाब देते हैं कि वो ईश्वर हर जगह है, तुम जहां चाहो उसकी भक्ति कर सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो। पास में खड़े विद्वान कहते हैं कि कैसे, क्या तुम्हें पता नहीं कि उसकी पूजा करने के लिए फूल चाहिए, दीप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, केसर चाहिए, कितना कुछ चाहिए? तो भक्त रविदास जी फरमाते हैं कि ये सब मेरे पास है और ये सब मेरे लिए, उसका नाम है, वही मेरा सब कुछ है। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माह पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। उसका नाम ही मेरे लिए केसर है, मूर्ति है, थाल है, दिया है, बाती है, तेल है, सब कुछ मेरे लिए उसका नाम है, उसका प्रेम है, उसकी उस्तुति है। जब मन में उसके नाम की ज्योति लगाई जाती है तो उसका प्रकाश केवल मन में नहीं बल्कि पूरे जगत में फैलता है। संगत जी, भगत जी के मन में रब का इतना प्रेम था कि वहां बड़े से बड़े विद्वान भी टिक नहीं पाते थे, उन्हें मिलने के लिए बहुत लोग आते थे, उनकी महिमा चारों ओर फैल गई थी। उनसे अब वो विद्वान मिलने आते जिन्हें रब की तलाश थी, जो मझधार में अटके हुए थे। जैसे कुछ लोग आकर पूछते हैं कि ऐ संत महापुरुष, हमें बताएं कि ईश्वर से मिलने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तो भक्त रविदास जी फरमाते, अहंकार, यही सबसे बड़ी रुकावट है। हमें जो ज्ञान प्राप्त है, अगर उसका भी अहंकार आ जाए तो मिलन नहीं हो सकता। यह बात याद रखें कि
जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। जब हम कुछ होने का दावा करते हैं तो फिर हम में वो परमात्मा नहीं होता, यानी हमारा उनसे मिलन नहीं होता, क्योंकि उसके स्थान पर हमने अहंकार को बिठा रखा है। जिस तख्त पर भगवान होना चाहिए था वहां अहम है, अभिमान है। अगर मन में से अहंकार को दूर कर लिया जाए तो फिर बाकी वही बचता है, परमात्मा। अब तू ही, अब केवल तू ही है, मैं ना ही। और कुछ लोग पूछते हैं कि आपने बताया कि अंदर से अहंकार दूर करना है, अगर हम अहंकार दूर कर लेते हैं तो क्या कुछ ऐसा भी है जिससे हम उस रब को सदा के लिए पाकर रखें? तो भगत जी फरमाते हैं हाँ। तो वो पूछते हैं वो क्या है? तो भगत जी फरमाते हैं प्रेम। जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। हाँ प्रियजनों, उस प्रभु को भी वश में किया जा सकता है और उसकी एक ही विधि है, प्यार। अगर प्यारे प्रभु के साथ प्रेम किया जाए तो वह हमेशा अंग संग रहता है। जैसे इंसान मोह के साथ बंधे हुए होते हैं, वैसे ही परमात्मा प्रेम से बंधा होता है। तुम जितना ज्यादा उससे प्रेम करोगे, उसकी बनाई कुदरत से प्रेम करोगे, मानवता से प्रेम करोगे, उतना ज्यादा तुम उसके साथ रह पाओगे। अगर मन में प्रेम है तो वो सदा तुम्हारे साथ है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आपका संदेश केवल छोटी जात वालों के लिए है, जैसे उन विद्वान ब्राह्मणों का संदेश केवल ऊंची जात वालों के लिए है, तो क्या आपका भी किसी खास जाति के लिए उपदेश है? तो भक्त रविदास जी ने फरमाया, मेरी नजर में कोई ऊंच नीच नहीं, ये सब कुछ लोगों की तरफ से पैदा की हुई बीमारी है। परमात्मा की नजर में तो सब बराबर हैं। जब वह कोई भेदभाव नहीं करता तो मैं कैसे कर सकता हूं? मेरा संदेश उसका ही संदेश है कि चाहे आप किसी भी कुल या जाति के हैं, अगर एक निरंकार की भक्ति करते हो तो तुम खुद का उद्धार कर सकते हो। भक्त रविदास जी फरमाते हैं कि ब्राह्मण बैस सूद अरखत्रि डोम चंडार मलेश मन सोय होए पुनीत भगवंत भजनते आप तार तारे कुल दोए। अर्थात चाहे कोई ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, डूम, चंडाल अथवा मलिन मन वाला मलेश ही क्यों ना हो, अगर वह रब का भजन करता है तो वह पवित्र हो जाता है। वह भगवंत का भजन करके स्वयं भी पार हो सकता है और अपने कुलों का भी उद्धार कर सकता है। जैसे परमात्मा सबके लिए बराबर है, उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसकी मेहर सबके लिए बराबर है, इसलिए जो भी उसे पूरे मन से याद करता है वह उसे पा ही लेता है। मैंने भी तो उसे ऐसे ही पाया है। कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे यहाँ कई लोग शराब का सेवन करते हैं, इसे भी देवताओं का रतन कहते हैं, कई जगह तो इसका प्रसाद भी दिया जाता है, क्या शराब पीना सही है? क्या ये भी भक्ति का मार्ग है? तो संत रविदास जी फरमाते हैं कि नहीं, शराब पीने से मस्ती नहीं आती, ये मस्ती तो एक पल है, दूसरे पल नहीं। रब का भगत तो उसके नाम को पीता है जिसका नशा जीवन भर रहता है, इसलिए दुनियावी शराब का नशा मत कीजिए। सुरसरी सलल कृत बारूनी रे, संत जन करत नहीं पान। बारूनी यानी शराब, अर्थात के शराब अगर गंगा जल लेकर भी बनाई जाए
तो भी किसी संत जन ने इसका सेवन नहीं करना है। और हमारे अंदर जो शराब रूपी अवगुण है, अहंकार, उसे भी मन से दूर करना है। ये बाहर की शराब से भी खतरनाक है। इसलिए शराब चाहे दुनियावी है या अवगुणों की, किसी को नहीं पीना है, उनका सेवन नहीं करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम तो छोटे हैं, हम कैसे उससे मिले। तो भक्त रविदास जी फरमाते हैं कि खुद को छोटा समझना बंद कीजिए, बल्कि खुद को तलाशिए। रब ने आपको जीवन दिया है, आपको मकसद दिया है। अगर हम खुद को कोसते रहेंगे कि हम छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो कभी आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद में आत्मविश्वास लाइए और चारों तरफ देखिए। क्या कबीर जो कपड़ा बुनने वाला था, क्या उसको रब नहीं मिला? क्या सदना जो कसाई था, क्या उसे रब नहीं मिला? सैन जो नाई था, क्या उसने परमात्मा को नहीं पाया? नामदेव, त्रिलोचन, कितने ही ऐसे भक्त हैं, ये सब तुम में से ही एक थे, मगर उन्होंने अपने छोटे होने को शर्म नहीं माना। उन्होंने उस बड़े यानी रब से प्रेम किया, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को पाया, और आज आप देखिए उन्हें सारी दुनिया याद करती है, क्योंकि उन्होंने काम काज करते हुए उस रब को याद किया, उसकी बंदगी की, उसको पाया। भक्त रविदास जी फरमाते हैं कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन, तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब है सरे। ए भाई सुनो, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैन जैसे इस संसार समंदर से पार हुए, उन्होंने रब को पा लिया। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ कि उस हरि परमात्मा की पूजा करो, उसकी भक्ति करो, उससे प्रेम करो, उसे खुद में खोजो। एक वही है जो भेदभाव नहीं करता, चाहे छोटे हो या बड़े, नीच हो या ऊंच, जो भी पूरे मन से उसे चाहता है, उसे वो मिल जाता है। तो संगत जी, ये थे भक्त रविदास जी के 10 उपदेश। संगत जी, उनकी वाणी में बहुत शक्ति है, उनके जीवन में प्रेरणा है। अगर हम पूरा मन लगाकर उनकी वाणी के एक एक अक्षर को पढ़ें, तो हम भी उस रब से मिल सकते हैं, हम भी खुद में से बुराई मिटाकर अच्छे इंसान बन सकते हैं। संगत जी, ये सारी वाणी जो हमने पढ़ी, ये वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। तो अंत में आइए हम सब मिलकर संत रविदास जी को नमन करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जीवन सफल करें। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का। हुई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।